अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सईदुद्दीन है। ये जो ऑनलाइन पे वीडियोस चल रहे इसके बारे में मुझे कुछ बताना था मीडिया को। मेरी बहन का इंसाफ करिए, मेरी बहन का इंतकाल हो गया। प्रेगनेंसी का 9 मंथ था, पूरे अच्छे थे वो लोग। 9 मंथ बीच में वो टॉर्चर कर रहे थे उनके शोहर और उनके सास भी, दोनों मिलकर टॉर्चर करके लास्ट में 9 मंथ में उनकी 9 मंथ में टॉर्चर करके ऐसा कर रहे हो बोल रहे हैं। फिर अगर टॉर्चर करना था, कुछ भी करना था, तो ये बदरसमा हॉस्पिटल है यहाँ पर मस्कत में, इसमें देखिए कि ना सब जो भी रिपोर्ट में बता रहा है वो सब क्लियर है, नॉर्मल है बोल के दिखा रहा है। इसमें कोई वो नहीं है, इसमें कोई ऐसा नहीं था कि उनको ये प्रॉब्लम था या फिर कुछ भी एक्टिविटी, मतलब उनका शी वॉज हैविंग एनी डिफिकल्टी, ऐसा कुछ नहीं था उनका। अगर उनको टॉर्चर रहता था तो कुछ ना कुछ तो उनको प्रॉब्लम दिखाई देता था मेडिकल में वगैरह, कुछ भी नहीं था। फिजिकल टॉर्चर कुछ नहीं था, मेंटल टॉर्चर उनको कुछ नहीं था, फिर भी ये लोग ऐसा बात कर रहे हैं। ये सब झूठ बात है, ये लोगों को कुछ सही गलत समझ में नहीं आ रहा। जान गई उनके बहन की, जान गई मेरे वाइफ की, जान गई मेरा भी नुकसान हुआ, मेरा ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ये लोगों को उस चीज़ की तकलीफ नहीं है। इनको ये है कि मेरे ऊपर गुस्सा निकालना है, बस यही है इनका। डेथ हो गई, दूसरों के बच्चे मेरी जिंदगी कोई इन्वॉल्व नहीं थे उसमें, कोई आई नहीं उनको देखने के लिए। खाली वहां से वहां हॉस्पिटल में छोड़ दे के चले गए उन लोग, बाकी का पूरा हम लोग ही कर लिए और हम लोग ही उनको घर पे लेकर आए वहां से। अब ये जो बात बोल रहे हैं लोग, एकदम से झूठ बात बोल रहे हैं। एक्चुअली मैं जब एडमिट करे थे एसरा हॉस्पिटल में, तो मेरे भाई जो है वो मेन अटेंडर थे, और कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी की भी डेथ होती है तो अटेंडर, मेन अटेंडर की साइन के बगैर कोई भी डिसीज का बॉडी को हैंड ओवर नहीं करते। इवन दो ऑपरेशन थिएटर में जाने के टाइम पर भी उनके भाई वगैरह सब कुछ मौजूद थे उधर, फिर भी वो लोग साइन नहीं करे। हालांकि हक उनका बनता था, डायरेक्ट मैं था, मैं नहीं रहूंगा तो उनके भाई कर सकते थे साइन। उनके भाई ऑपरेशन थिएटर के लिए, कुछ भी कंडीशन फेलियर के लिए साइन नहीं करे, मेरे भाई करे, क्योंकि उन्होंने मेन अटेंडर थे। और इवन दो डिसीज होने के बाद भी मेन अटेंडर की सिग्नेचर के बगैर बॉडी को हैंड ओवर नहीं करते। तो ये लोग ये पूरा झूठ बात बोल रहे कि छोड़ के चले गए बोल के, और हम लोग ही उनको घर पे लेकर आए वहां से, तो कोई लोग देख रहे भी नहीं, पलट के उनको अपना घर को आके मिले ना, फोन अभी उठा रहे भी नहीं। उन लोग कॉल कर रहे तो रीजन पूछेंगे किस वजह से उनको लेकर आए, इन्हों बोल रहे फोन नहीं उठा रहे, वो नहीं कर रहे बोल के। मैं आपको ये एसरा हॉस्पिटल के बिल है, आप इसमें देखिए कि ना जो बिल पे करते उनके पास बिल्स रहते, जो नहीं पे करते उनके पास बिल नहीं रहते। ये बिल लास्ट 2134 का है, आई मीन दिस वॉज द फाइनल बिल एंड इट वॉज पेड बाय माई ब्रदर ऑल्सो, सो हाउ कैन दे से दैट वी डिडंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी और वी लेफ्ट यास्मीन अलोन। ये एसरा हॉस्पिटल के बिल्स है, ये सारे बिल्स मेरे भाई पे करे सो है, और इसमें ये लोग बोल रहे कि कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए, छोड़ के चले गए वगैरह। इनको ये बात मालूम होना चाहिए कि मेन अटेंडर के बगैर बॉडी हैंड ओवर नहीं होता। दूसरा, बिल्स पे कौन करे, ये लोग करे या हम करें? आप लोग देख सकते हैं कि सारे बिल्स मेरे भाई ने पे किया सो है, ठीक है। और दूसरा ये लोग बोल रहे कॉल नहीं करे, कुछ नहीं करे, ये लोग हमको कॉल नहीं करे कि कब तकवीम कर रहे या फिर कब ब्यूरियल कर रहे, कैसा लग जा रहे, क्या कर रहे, ये लोग हमको बताए नहीं। नेक्स्ट डे भाई कॉल्स करने की कोशिश कर रहा था, सब जने फोन कट कर दिए, कोई भी ये नहीं बताया कि किधर लेके जाके दफना रहे या फिर किधर इनकी तकवीम कर रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये भी एक उनका झूठी बात है जो ये लोग बोल रहे कि मेरे बहन को आने नहीं दिए। एक्चुअली मैं आप इधर देख सकते हैं कि ये जो बिल है
ये गायनाकोलॉजिस्ट का बिल है हा? ये संतोष नगर में का हॉस्पिटल है, चंपापेट जो है। इधर भी बीच में जब मैं इनके घर पे भेजा था यास्मिन को, जब मस्कत से इन्हों रिटर्न गए थे, तो जब घर पे भेजा था तो यास्मिन का तबीयत थोड़ी सी नासाज होने की वजह से इन्हों यास्मिन उधर गए थे, ये सिद्धेश्वर रत्ना मैटरनिटी या नर्सिंग होम, ये भी संतोष नगर पे है, वहाँ पर भी जाके दिखाए थे। तो ये झूठ बात कर रहे कि मैं उनको घर पे नहीं भेजा था, ये भी झूठ बात कर रहे ये लोग कि घर पे ये बात नहीं होती थी। यास्मीन के मोबाइल पे सारे कॉल डिटेल्स है, अगर जिसको भी जो भी अथॉरिटी देखना चाह रहे कि मैं फोन ले लिया था या नहीं लिया था या फिर इनसे कब कब बात हुई, वो सारे डिटेल्स यास्मीन के मोबाइल पे है। और या मैं सारे पुलिस अथॉरिटी या फिर कोई भी अथॉरिटी देखना चाह रहे तो मैं उनको दिखाने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली में इशू ये था कि जब यास्मीन इधर मस्कत से गए थे उधर इनके घर पे, वहाँ पर उनका थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से इधर सिद्धेश्वर रत्ना मैटरनिटी नर्सिंग होम में बताए थे। फिर उसके बाद यास्मिन मेरे को बोले थे कि दोनों बहना हैं ये लोग अननेसेसरी टेंशन दे रहे हैं, क्योंकि मम्मी को देखने इनके मम्मी को देखने के लिए घर पे कोई भी नहीं है और ईद भी नज़दीक आ रही और घर पे काम करने वाले कोई नहीं है। दोनों बहनों के नाम, एक का नाम नौशीन है, दूसरे का नाम हाजरा है, छोटी का नाम हाजरा है। तो हमेशा से ये दोनों बहनें मेरे वाइफ को सता रहे थे, आई मीन बोल रहे थे कि ससुराल वालों को दबा के रखो और इन लोगों को कुछ ना कुछ मतलब टेंशन दे रहे थे इनको। और बड़े बहन कहते जब बोले जब घर पे आके बैठ जाते थे, कहते उनका ससुराल कैसा है क्या है मैं उसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ बड़े बहन कर रहे हैं, जो चीज़ छोटे बहन करना चाह रहे हैं, वही चीज़ मेरे वाइफ को भी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। इसके लिए मेरे वाइफ बोले कि मेरी डिलीवरी जहाँ पर चल रही जैसा बिस्मिल्ला हॉस्पिटल है, मैं वहीं पर कंटिन्यू कर लेती। और उज्मा मैडम अच्छे से काउंसिल कर रहे थे और डॉक्टर बरकतुल्ला जो है वो भी अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ पर कंफर्टेबल हूँ, इसके लिए उन्होंने मेरे पास वो आ गए। अच्छा, और एक चीज़, ये इनकी जो मेरे वाइफ की जो फर्स्ट मैरिज हुई थी फारूक, उनका भी उनसे भी वो मैरिज को डिसॉल्व करने का भी रीज़न ये दोनों बहनें हैं, जो हर हर छोटी बात में इन्वॉल्व होना, हर चीज़ में ऐसा नहीं ऐसा करो, हस्बैंड को ऐसा बात करो, ससुराल वालों के साथ कैसा रहना, ये छोटी से छोटी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट कर रहे थे दोनों बहनें। इसकी वजह से फर्स्ट मैरिज उनकी डिसॉल्व हो गई। अब उनको उन्हों घर पे 5 साल थे, 2017 से लेके 2022 तक उन्होंने घर पे बैठे आ रहे थे। फिर बाद में जब मेरे साथ मैरिज हुआ उनका, तो उन्होंने मेरे को ये बात बताए थे एक बार कि देखो मैं एक बार ऐसा सुन के ऑलरेडी ये गलती कर चुकी हूँ, मैं अगली बार से ये दोहराना नहीं चाह रही बोल के। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद। हर खबर पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। क्राइम कंट्रोल न्यूज हैदराबाद।
जश्न आज़ादी हिंद के जिमन में मीना हॉस्पिटल की खसूसी पेशकश, आइए अमराज से आज़ादी वो छुटकारा पाए। 15 जुलाई तक 15 अगस्त मुफ्त हेल्थ कैंप, गरीब व जरूरतमंद मरीजों के लिए खुशखबरी, तमाम अकसाम के मुआयनाजात पर 20% डिस्काउंट, रजिस्ट्रेशन जारी है, माहिरीन तिब व सेहत से मुफ्त मुशावरत, सेहतमंद मुआशरे की तश्कील का जामिन, आलमी शोहरत याफ्ता डॉक्टर्स की खिदमत, बेहतरीन इलाज व मुआलजे की सहूलतें, असरी तकाजों और मिशनरी से लेस शानदार दवाखाना, अवाम की खिदमत ही मीना हॉस्पिटल का नस्बुलाइन, मीना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवरामपल्ली, राजेंद्र नगर, पिलर नंबर 254, हैदराबाद।